धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, अगर कन्हैया जरा भी साथ दे तो कोई और बात। बाहर नीले नीले अंबर में घनघोर घटा छाई है, काली काली बद्री भी खूब बरस रही। ऐसे में हर भक्त को याद आई है कन्हैया यानी श्री कृष्ण देवता की। आज रात यानी 26 अगस्त की रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। कान्हा के स्वागत में हर कृष्ण भक्तों के मन में हिलोर मार रहा है। ज्यादातर भक्तों का यही कहना है कि कन्हैया बहुत दयालु, उनकी कृपा से हर काम हो जाता है और नाम होता है अपना, मतलब पतवार के बिना ही की नाव चलती रहती है। मैं जिस कन्हैया का जिक्र करता हूँ वो सबकी फिक्र करता है। जरूरत है बस एक बार उन्हें सच्चे दिल से पुकारने की। जिस किसी पर उनकी रहमत हो जाती उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। भक्तों ने कहा बेसबब दे जाता है उन्हें उनका कान्हा, हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। भक्तों का मानना है बस एक बार कन्हैया को अपना मांझी बना कर तो देखो। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर रांची से लेकर मथुरा तक के मंदिर सज धज कर तैयार है। सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे घर घर कन्हैया जन्म लेंगे। हर घर में मंगल बधाई गीत गूंजेंगे। उनके दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों भक्त ब्रज में आ चुके हैं। 50 लाख से अधिक भक्त कृष्ण जन्मोत्सव के गवाह बनेंगे। रंग रोशनी से नहाए इन मंदिरों की आभा हर किसी का मन मोह रही है। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट भावना ठाकुर और नंदिनी की रिपोर्ट।